की। कहा जाता है कि बिन पानी सब सून ही है, खासकर राजस्थान में हर जगह पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे अनूपगढ़ पंचायत समिति का गांव 14 के भी आजादी के 72 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं को पाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। इस गांव को देखिए और महसूस कीजिए पानी की कीमत, बुनियादी जरूरत की कीमत, क्योंकि जब प्यास पलायन पर मजबूर कर दे तो विकास खुदकुशी कर लेता है। यही वजह है कि 21वीं सदी का गांव 14 केबी पानी को घी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। कुछ 35 वर्षों से गांव बसा हुआ है और 35 वर्षों के बाद भी नहीं लगता है कि ये गांव मुख्य धारा से कहीं से जुड़ा हुआ है। पीने का पानी यहाँ से करीब 4 किलोमीटर पीछे वाटर वर्क्स बना हुआ है, वहाँ से पाइपलाइन डाल के लाया गया है। वो पानी कहीं रास्ते में निकल जाता है, कहीं से पाइप टूटी हुई है, कहीं से किसी ने कनेक्शन जोड़ दिया। सप्लाई के लिए आने वाली पाइपलाइनें टूटी हैं, लिहाजा जब सप्लाई छोड़ी जाती है तो ग्रामीण पाइपलाइन से ही पानी भरते हैं। इस हिसाब से एक घर के हिस्से में 2 मटके पानी आता है। पानी रात आंदा 2 बजे, दोपहर 2 बजे पानी कोई पूरा भर नहीं सकता। पानी पूरी खड्डा में पाना आता है, कोई भरने वाला कोई टंकी है नहीं मारी। बड़ी परेशानी है पानी की। बुनियादी सहूलियतें ना होने से गांव वाले पलायन को मजबूर हैं। 5 साल पहले गांव में 50 से 60 घरों की आबादी थी, लेकिन पानी ना मिलने से गांव के 25 परिवार पलायन कर गए। गांव के बच्चों को आज भी पढ़ाई के लिए 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तो उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी 7 किलोमीटर दूर जाते हैं। इन्हीं वजहों से गांव के लड़के लड़कियों के लिए अब रिश्ते आने भी बंद हो गए हैं। साढ़े पहला 5 साल पहला 50-60 घर की आबादी थी, उस तो बाद हुण 25-30 घर रह गए ने पानी की समस्या वास्ते। पानी है नहीं इत्थे पीण वाला, ये सारे घर तुसीं तुहानूं दिसी जांदे ने खाली पए ने, ये पानी की वजह नाल गए ने लोकी। तो पहला आबादी सी 70 घरों की, अब 40 घर रह गए, प्लेन कर गए, वो हरियाणा पंजाब गए। 30-30 साल हो गए लड़के बैठे हैं, कुमारे आते नहीं है बोल लड़के वाले। ग्राम विकास अधिकारी सुरेंद्र रानोलिया ने बताया, खत्म हो चुकी डिग्गियों का निर्माण करवाया गया, लेकिन फिर भी पानी की समस्या बरकरार है, क्योंकि डिग्गी आबादी क्षेत्र से दूर है। गांव वालों का कहना है कि चुनाव के वक्त नेता वादा करते हैं, चुनाव जीतते ही गांव में आना बंद कर देते हैं, ऐसे में गांव की हालत बद से बदतर होती जा रही है। कुलदीप गोयल, जी मीडिया, अनूपगढ़।